हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीम। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक नहीं दो दो जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताने वाला हूं और ये दोनों जॉब प्रोफाइल्स दोस्तों दो डिफरेंट कंपनीज की तरफ से आ रही है। एक कोलैबरा है और एक है टेली परफॉर्मेंस। दोनों जॉब प्रोफाइल्स दोस्तों एक वर्क फ्रॉम होम है और एक वर्क फ्रॉम ऑफिस है। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड ये रहती है कि सर मुझे वर्क फ्रॉम होम के अलावा वर्क फ्रॉम ऑफिस भी चाहिए, तो मैंने दोनों जॉब प्रोफाइल्स को रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने नोटिस किया है इसमें इन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ ये इंग्लिश में ही होना चाहिए। आप अपने लैंग्वेज जो डोमेस्टिक लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज तीनों में आप लोग यहाँ पर बात करके काम कर सकते हो। और इसमें जो काम रहने वाला है दोस्तों दोनों बहुत ही आसान काम रहने वाला है, क्योंकि आप लोग को ट्रेनिंग भी यहाँ पे शुरुआती दिनों में आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट सैलरी है, लेकिन गुड सैलरी है अगर आप लोग एंट्री लेवल पे वहाँ पे जाते हो। पूरी डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और सेकेंड वाली जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जो मैं आप लोग को बोलूँगा उसमें आप लोग को HR की पूरी डिटेल भी आप लोग को मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, बिल्कुल स्किप करके मत जाना, बिल्कुल एंड तक देख लेना। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर मार देना, और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल पर तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना और बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लाते रहता हूँ। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। दोस्तों सबसे पहले जो प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोलैबरा टेक्नोलॉजीज की तरफ से आ रही है। कोलैबरा के बारे में आप लोग पहले भी जान रहे हो कि वेल रिप्यूटेड कंपनी है और ये HR असिस्टेंट का रोल आप लोग को प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम है, आप लोग घर बैठे यहाँ पे सारा काम करोगे, और अगर इसके लिए आप लोग को लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी आप लोग को खुद यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। दूसरी बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप लोग जब यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आप लोग को स्टार्टिंग में यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाता है कि हमें काम कैसे करना है, कितना करना है और कितना इसमें जो है इशू आने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। हम एक बाई एक एक पॉइंट करके डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें शिफ्ट भी रहने वाला है, आप लोग को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कभी मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकता है या फिर इवनिंग शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, 0 to 2 years का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यहाँ पे बोला है कि सैलरी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम एवरेज ऑन एन एवरेज अगर हम देखें जो ट्रेंड चल रहा है HR असिस्टेंट का, तो यहाँ पे आप लोग को 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा जो भी अलाउंस होते हैं अगर आप लोग को शिफ्ट अलाउंस करते हो या फिर ओवर टाइम अलाउंस, वो इनके ऊपर है कि वो कितना देते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि जो रोल रहेगा आप लोग को यहाँ पे 2 to 3 weeks 2 से 3 हफ्ते की यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। वैसे इनका जो ऑफिस का लोकेशन है जहाँ पे हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर और हैदराबाद है। ठीक है, लेकिन आप घर से ही करेंगे। फ्लेक्सिबल शिफ्ट टाइमिंग्स रहेंगी और आप लोग को हफ्ते में 2 दिन ज़रूर यहाँ पे छुट्टी मिलेगी। वो ज़रूरी नहीं है आपको सैटरडे संडे मिले आप लोग को, लेकिन 7 दिन में 2 दिन ज़रूर छुट्टी मिलेगी, सिर्फ 5 दिन आप लोग को यहाँ पे काम करना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बारे में ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे पहला जो राउंड होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो वीडियो कॉल होता है। तो इसमें आप लोग जो वीडियो कॉल से कई लोग घबराते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछा जाएंगे, आपसे नॉर्मली वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपने किया है पहले, क्वालिफिकेशन वगैरह और आप इसमें क्यों आना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को बता दी है। आप लोग को अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग सिंपली यहाँ पर अप्लाई का जो बटन है यहाँ पे, इस पे ब्लू बटन पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल वहां पे जो है सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी जॉब प्रोफाइल की, तो वो टेली परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आ रही है और ये जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जॉब रहने वाली है। यहां आप देख सकते हो प्रीमियर प्रोसेस के लिए यहां पे हायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप लोग को कस्टमर सर्विस वाला रोल यहां पे प्रोवाइड करेंगे। यहां पे कस्टमर सर्विस का जो भी रोल रहेगा दोस्तों यहां भी ट्रेनिंग आप लोग को शुरुआती दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी, किस तरीके से आप लोग वहां पे काम करोगे। जनरली होता क्या है कि टेली परफॉर्मेंस के पास जितनी भी सर्विसेज होती हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को कस्टमर्स को बताने होते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप लोग को इनबाउंड या फिर आउटबाउंड जो भी कॉल्स होते हैं वो आप लोग को उसमें जो है डील करना होता है, तो वो सारी ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को बता दी जाती है। बात करें दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 0 to 5 years का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आप लोग का जो ऑफिस है ये न्यू दिल्ली गुड़गांव दो जगह का यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग अवेलेबल हैं, स्टे कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सैलरी की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएट लेवल पे आप लोग को एंट्री लेवल पे 2,75,000 पर एनम यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आप लोग को ज़रूर मिलेगा पर मंथ अगर आप यहाँ पे जो है काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे बल्क हायरिंग हो रही है, इसका मतलब आप लोग को ज्वाइनिंग भी इमीडिएट होगी अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे तुरंत। और एक यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पे तुरंत जो है सेम डे ऑफर लेटर भी मिलता है अगर आप वेन्यू पे पहुँच के, वहाँ लोकेशन पे पहुँच के अपना इंटरव्यू देते हो, तो एक फ़ायदा यहाँ पे और है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आप लोग को बता दिया, कस्टमर सर्विस का यहाँ पे रोल रहने वाला है, उसकी ट्रेनिंग भी आप लोग को शुरुआत में दे दी जाएगी। अप्लाई करने का प्रोसीजर दोस्तों बिल्कुल सेम है, आप लोग को यहाँ पे व्हाट्सअप करना होता है अपना रिज्यूम, जो यहाँ पे नेहा जो HR है इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है,
आप लोग को व्हाट्सअप करके रिज्यूम को जो है सेंड कर देना होता है, और उसके बाद आप लोग को वेट करना है 1 से 2 दिन, अगर रिवर्ट नहीं आता तो आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया दोस्तों, अगर आप यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप वहाँ पे स्टे भी करते हो दिल्ली या गुड़गांव में, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सेम डे ही आप लोग को ऑफर लेटर मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप वॉकिंग करके वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पे इंटरव्यू का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अप्लाई करिए। दोनों जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, दोनों में मिनिमम एजुकेशन जो है मांगा है क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट है, तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है। सारी डिटेल मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप लोग को कहीं और से भी वैकेंसीज़ के लिए इंटरव्यू आई है या फिर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर मार देना, और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन, उसको जरूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे डेली अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।